गए थे। ओके थैंक यू। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से जो है वो हम सेमी कॉलन को यूज करें। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक पता चल सका कि कहाँ कहाँ पे हम सेमी कॉलन कैसे यूज करते हैं और किस किस तरह से प्रोसीड फर्दर करते हैं। जाने से पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे ये चीजों का वो। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये वाला एक सेंटेंस मैं पुट करने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास जो है वो सेंटेंस है, यहाँ पे मैंने लिखा अली इज अ गुड टाइपिस्ट, ही मेक्स फ्यू मिस्टेक। अब मुझे बताएंगे कि यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आपको ऐसा है जहाँ पे दो क्लॉजेस को आपने क्लब किया हुआ है। एक्सीलेंटली अब्बास ने जो है वो सबसे पहले बताया, ठीक है। तो अब आपको सेमी कॉलन का पता चल गया कि सेमी कॉलन कहाँ कहाँ पे आप पुट करोगे, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आपको जो है वो ये पता चल चुका है कि सेमी कॉलन कहाँ कहाँ पे पुट करेंगे, अब मैं सेमी कॉलन की एक एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूंगा, आपने इस एक्सरसाइज को जो है वो कंप्लीट करना। सेमी कॉलन के एक्सरसाइज जो है उसको हम बल्कि शेयर के करना है, यहीं पे हम जो है वो अभी देखते हैं ताकि पता चल सके, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में जो है वो लोग अटेम्प्ट ना कर सकें। अभी यहाँ पे पता चले ना रूल्स कितने लोगों को समझ में आया। चलिए ओके जी, अब यहाँ पे हमने लिखा ये वाला जी पहला सेंटेंस जो है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ही इज अ टैलेंटेड बॉय, देयर फॉर एवरीवन लाइक हिम। पहले तो ये बताएं यहाँ पे कहीं पे कॉमा भी आएगा, ही इज अ टैलेंटेड बॉय देयर फॉर एवरीवन लाइक हिम, कहाँ पे आएगा कॉमा जी? देयर फॉर के बाद आएगा कॉमा, ठीक हो गया। चलें जी, हमने देयर फॉर के बाद आपके कहने पर कॉमा पुट कर दिया, ठीक हो गया जी। अब बताइए कि सेमी कॉलन कहाँ पे आएगा, सेमी कॉलन कहाँ पे आएगा? एक्सलेंट जी, जिन लोगों ने ये बताया कि अली इज अ टैलेंटेड बॉय के बाद हमारे पास जो सेमी कॉलन आएगा, एक्सलेंट, आपने बिल्कुल ठीक बताया, ग्रेट हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी आगे चलते हैं जी, ये सेमी कॉलन है, आई एम सॉरी इसे मैं सेकेंडली कॉलन पुट कर दिया, ठीक है ये सेमी कॉलन। अच्छा जी, अब आप अपने लिए क्लैपिंग करें ढेर सारी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, ही राइट वेल आई रीड वेल। आवाज ने अपने लिए क्लैपिंग की है, ग्रेट एक्सरसाइज। आवाज सब एक अच्छे बच्चे हैं, यू आर अ गुड स्टूडेंट। ओके जी, ही राइट्स वेल आई रीड वेल। आवाज आपके फेलोज ने भी आपके लिए क्लैपिंग की है, ओके ग्रेट जी। हमारे पास जो है यहां तक जो है हमें कॉलन को समझना था, कॉलन को देखना था। अब जी कॉलन में हम यहीं पे रुकेंगे, ड्राई पार्ट है, हम कोशिश करेंगे कि जो है वो इसको ऐसा ऐसा, मगर कॉलन मुकम्मल हो गया हमारे पास, कॉमा भी मुकम्मल है, सेमी कॉलन भी मुकम्मल है। आगे चलते हैं, कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। अब जी आपके पास आगे हैं जी सेकंड पार्ट, इडियम्स कल जिन्होंने मुझे भेजे, मैंने तकरीबन कोशिश की जितना मुझे टाइम मिल सके मैं मार्क करूं, और मैंने कोशिश करके मार्क करके भी भेजी कुछ कॉपीज, जिनकी रह गई हैं उनको भी मैं जरूर भेजूंगा। आज का पहला इडियम है, ध्यान से समझ लीजिएगा, स्टफ एंड नॉनसेंस। अच्छा मुझे बताएं कि कोई इसका मतलब क्या होता है, स्टफ एंड नॉनसेंस का, किसी को पता हो स्टफ एंड नॉनसेंस हो? नहीं पता, देख लें। आपको हर हफ्ते, आप कहीं पे जॉब करते हैं और हर हफ्ते में वो ये कहेंगे संडे वाले दिन जो आप जहाँ पे जॉब करते हैं आपकी ट्रेनिंग हुआ करेगी, ट्रेनिंग के नाम पे आपको वो बुला लें स्कूल में कॉलेज में और वहां पे जाके आप बैठ के आ गए, तो आप क्या कहेंगे, स्टफ एंड नॉनसेंस, कंप्लीटली फुलिश, एब्सर्ड एक्टिविटी, ठीक है। तो एक ऐसी एक्टिविटी जो कि कंप्लीटली अब्सर्ड होती है, फजूल होती है, आप उसको जो है वो क्या कहेंगे, स्टफ एंड नॉनसेंस, कि बिल्कुल ही फजूल एक्टिविटी है, ठीक है।
अच्छा जी, आसान है। अ वाइल्ड गूस चेज। अ वाइल्ड गूस चेज का क्या मतलब होता है? एबॉर्टिव अटेम्प्ट जो होती है, एक बेसुध कोशिश को अ वाइल्ड गूस चेज जो है वो कहा जाता है। क्या नंबर 3 पे है जी? टू बी इल एट ईज। टू बी इल एट ईज का क्या मतलब होता है? अनकंफर्टेबल फील करना। ठीक है, अनकंफर्टेबल फील करना। जब मिसाल के तौर पर कुछ लोग होते हैं, वो अच्छा खासा बैठ के जो है वो बातें सुना रहे होते हैं, जैसे उन्हें कहा जाता है कि जनाब जरा आए मजमे के सामने बात करें, या ये एक तकरीर करके दिखाएं, दे विल से कि नो, आई एम टू बी आई एम इल एट ईज व्हेन आई हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्राउड। ठीक है, तो वो इल एट ईज पे चले जाते हैं। ठीक है जी, नंबर 4 पे जी, सिट एट सिट ऑन, कहाँ चला गया? ऑन ऑन द फेंस। अच्छा जी, फेंस के ऊपर कोई भी नहीं बैठता। ठीक है, कोई भी नहीं बैठता है। अच्छा, फेंस के ऊपर कौन बैठता है? मिसाल के तौर पर जो है वो बाढ़ है, आपको किसी जगह पे दाखिल होना है, किसी के हाउस में, किसी के घर में, किसी की प्रॉपर्टी में दाखिल होना है, तो आप जो है वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। फेंस लगाई इसलिए जाती है कि आप रुके, थोड़ा सा स्टे करें। सिट ऑन फेंस का मतलब होता है कि थोड़ी देर स्टे करना। कोई ऐसे हो? कोई डिसीजन आपने लेना है और आप जो है वो क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। ठीक है, अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन। कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो आप टू बी इल एट ईज हैं। ठीक है, अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन। मिसाल के तौर पर पीडीएम, जो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट जो है वो, द पीडीएम द कॉलिशन गवर्नमेंट इज सिटिंग ऑन द फेंस, बट दे कैन परफॉर्म, दे कैन नॉट डू दिस एक्टिविटी फॉर लॉन्ग। हम यहां से आगे मूव करते हैं। अगला है हमारे पास इन अ जिफे। इन अ जिफे का क्या मतलब होता है? इम्पोर्टेंट है जी। इन अ जिफे का मतलब होता है किसी चीज को फौरन से करना, ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत छोटा सा टाइम जो होता है। ये कुछ दिन पहले जलजला आया था, अर्थक्वैक, सबने क्या किया था? फौरन से जो है वो बाहर निकले थे। वो एक मैंने अपने स्टेटस पे, जो लोग मेरे नंबर पे ऐड है उन्होंने देखा होगा, कहते हैं कि रावलपिंडी में कुछ मुअज्जिज लोग जैसे ही जलजला आया वो इन जिफे उठे फौरन से और कलमा तैयबा का विर्द करते हुए होटल से बगैर खाने का बिल दे के निकल गए। इन जिफे निकले, उन्होंने कहा कि कलमे का विर्द करते हैं, बिल फिर बाद में देखा जाएगा। तो कलमे का विर्द करते हुए, जिक्र अजकार करते हुए वो होटल से उठे और चले गए इन जिफे फौरन से। बाजुकात इन जिफे जो है वो काम आ जाता। सो जी, ये है जी इन जिफे। इसके बाद नंबर 6 पे, टू प्रीन वन सेल्फ। अच्छा, प्रीन का मतलब होता है सजाना, खुद को सजाना। ठीक है, अपनी अपीरेंसेस को बेहतर करना। अगर लड़का है, नीट हो जाए, टाइडी हो जाए, ठीक है, अपने आप को जो है वो साफ सुथरा करे। अगर वो खातून है तो मेकअप वगैरह जो वो कर रही है, तो हम कह सकते हैं, शी लुक्स लाइक अ प्रिंसेस, शी प्रीन हर सेल्फ एंड शी इज लुकिंग ग्रेट। तो आप कुछ भी कर सकते हो, अपने आप को सजाना, साफ सुथरा करना। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 7 पे है जी, शो एंड टेल। वही आसान सा, शो एंड टेल का मतलब होता है कि कोई भी चीज ऐसी है जिसको प्रेजेंटेशन देना। क्लासेस में प्रेजेंटेशन देते हो ना, डिस्प्ले करते हो कुछ चीजों को जो है वो। ठीक है, सो शो एंड टेल। द टीचर इनवाइटेड अली एंड आस्क हिम टू शो एंड टेल हिज टॉपिक। ठीक है जी, ये हमारे पास है जी शो एंड टेल। नेक्स्ट हमारे पास है जी हेल्टर स्कल्चर। हेल्टर स्कल्चर, हेल्टर स्कल्चर का मतलब होता है हरिडली, वही जो इन जिफी का मतलब था, हरिडली, तेजी के साथ जो है वो। ठीक है, फौरन से तेजी के साथ निकलना, वही मतलब जो मैंने बताया जो इन जिफी का है। ठीक है, टू द डेथ। टू द डेथ का मतलब होता है
हाई ट्रीजन जो है वो, ठीक है, कोई बड़ी गद्दारी करना जो है वो, ठीक है, किसी शख्स ने गद्दारी कर दी तो उसको जो है वो आप टू द डेथ जो है वो करेंगे, हाई ट्रीजन जो है वो, ठीक है। लास्ट हमारे पास है जी आज का, वो है हमारे पास नंबर 10 पे, टिल्ट एट विंडमिल्स। टिल्ट एट विंडमिल्स जो है वो हमारे पास आखिरी है सेंटेंस से। इसका मतलब होता है विंडमिल्स, हवा से चलने वाली चक्कियां जो होती हैं, ये बेसिकली 1945 में एक नॉवेल है, उसका नाम है एनिमल फॉर्म, लिखने वाले का नाम है जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल का जो है वो नॉवेल है टिल्ट एट विंडमिल्स, उससे लिया गया है कि सम एनिमल्स आर इक्वल एंड सम आर मोर देन इक्वल। अच्छा जी, जब आप जो है ना अटैक कर रहे होते हो, किस पे कर रहे होते हैं, इमेजिनरी एनिमीज के ऊपर जो है वो, ठीक है, इमेजिनरी एनिमीज पे, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जी कहीं पे भी अटैक होता है तो हम कहते हैं कि जे वो जो JIT बना दी है, कमेटी बना दी है। 1971 में हमारे 91,000 प्रिजनर जो है वो पकड़े गए थे, आज तक हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। जब आप इमेजिनरी एनिमीज पे अटैक कर रहे होते हैं, वो होता है आपके पास टिल्ट एट विंडमिल्स। ये हमारे पास द इडियम्स हैं और ये आपका जो है वो काम है जिसे आप करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अब हम जो है वो अपनी क्विज की तरफ बढ़ेंगे, जो आपको कल मैंने एक एक्टिविटी असाइन की थी। फाइल थोड़ी सी ओल्ड है, जैसे जैसे फाइल ओल्ड हो जाती है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप देखें कि इसको जो है वो अपडेट होने की जरूरत है, तो उन क्वेश्चन को खुद से भी थोड़ा सा गूगल कर लिया करें। गूगल इसीलिए होता है कि अगर किसी क्वेश्चन पर डाउट फील करें तो उसको जो है वो क्लियर कर लिया करें, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये बताएं कि बल्तिस्तान इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है जी बल्तिस्तान को, बल्तिस्तान इज कॉल्ड, देखते हैं जी कितने लोगों ने तैयार किया हुआ है उसको। फेरेडेज कहा जाता है, लिटिल तिब्बत कहा जाता है, ब्यूटी ऑफ अर्थ कहा जाता है, अली इज द ओनली वन जिसने सबसे पहले लिखा, ग्रेट अली। पाकिस्तान की सबसे पहली पोस्टल स्टैम्प कब इशू की गई थी, पाकिस्तान की पहली पोस्टल स्टैम्प कब इशू की गई थी, पाकिस्तान की पहली पोस्टल स्टैम्प जो है वो कब इशू की गई थी, जुलाई 1948 को। अच्छा जी ये मुझे बताइए, ठीक है, जो हमारा हत्था फोर है, जो मिसाइल है उसकी रेंज कितनी है, हत्था फोर की रेंज कितनी है, ये 450 जिन्होंने लिखा है ना जैन रशीद साहब, बाज आ जाए ऐसे ना करें, हमने ना ये जिन्होंने 450 लिखा है ना आपको हद तक के साथ भेज देना है कि देख के आए स्क्रीन के कहाँ तक है, तो ये गलत नहीं लिखे हैं प्लीज आप। अच्छा ये मुझे बताएं कि चोक यादगार जो है वो कहाँ पे है, किस सिटी में लोकेटेड है, यादगार चोक किस सिटी में है जी, ग्रेट। अच्छा मुझे ये बताइए तो पाकिस्तान का सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था, सबसे पहला प्रेसिडेंट पाकिस्तान का कौन था, इस्कंदर मिर्जा था। अच्छा जी बेनजीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान की कौन से नंबर वाली प्राइम मिनिस्टर थी, फीमेल प्राइम मिनिस्टर, पंजाब का टोटल एरिया कितना है जी, पंजाब का टोटल एरिया कितना है, जी, 205। मैंने बड़ी आसानी से याद करवाया था, मैंने कहा था कि याद कीजिएगा 20-44 दरम्यान में 53 पुट कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी पाकिस्तान का जो झंडा था वो तो आपको पता ही है, अमीरुद्दीन कदवानी ने किया था, ये तो आसान हो गया। अच्छा अब ये मुझे जरा बताइएगा कि जो हमारे पास है, मुश्किल पूछते हैं, हाँ K2 जो है वो किस माउंटेन रेंज के अंदर वाक्या है, K2 की रेंज कौन सी है जिसमें ये वाक्या है, कराकरम है, ग्रेट है। हिंदू कुश जो रेंज है ये कहाँ से शुरू होती है, हिंदू कुश रेंज कहाँ से शुरू होती है, ये कहाँ से शुरू होती है,
नहीं आती है सर, यहाँ से शुरू नहीं होती है, कहीं और से शुरू होती है। ये पामीर प्लेटन से शुरू होती है, पामीर प्लेटन से शुरू होती है। इसको दोबारा देखिएगा। पाकिस्तान स्टील मिल्स किस कंट्री के तावन से बनी थी, किस कंट्री के तावन से बनी थी? पाकिस्तान स्टील मिल्स जो है वो किस कंट्री के तावन से बनी थी? रशिया के, जब तब यूएसएसआर था। आपको खुशी होनी चाहिए कि हम जो है वो हर चीज हमने किसी ना किसी के तावन से जो है वो बनाई थी। ठीक है, ओके जी। अच्छा मुझे बताइएगा कि मुस्लिम कमांडर इन चीफ जो है वो एयरफोर्स के वो कौन थे? जो फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे? असगर खान जो है वो थे। अच्छा जी, जिन लोगों ने इसको तैयार नहीं किया था, काइंडली इस फाइल को, ये फाइल जरा नेम दोबारा शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ये ना इसमें 61 के करीब पेजेस हैं। नेक्स्ट जो है वो 100 MCQs होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 100 MCQs, यानी कि कल जो है वो पहले 300 MCQs में से हम क्विज लेंगे। तो इस फाइल को प्रिपेयर करके आए, कोशिश करें कि इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। किसी चीज की समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। तो आप सबसे जो है वो इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होगी। क्विज जो है वो इसको तैयार करके आएंगे, कॉमा सेमी कॉलन को खुद से पढ़ेंगे, खुद से प्रिपेयर करेंगे। जो असाइनमेंट आपको इडियम्स की दी है इसको आपने सबमिट करवाना है, इसको जरूर सबमिट करवाना है। तो कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है जो डिस्कस करना चाहें, पूछना चाहें, वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज़।